गाड़ी को भी अभी खराब होना था। जगह तो यही लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। मेम साहब चाय। हटा इसे यहाँ से। यहाँ पे हमारी जान पर बनाए हैं और तुझे चाय की पड़ी है। भाभी संभालिए अपने आप को। क्या करेंगे आप? ऐसे रोके या फिर गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होगा। शायद वो आ गया, मैं देखता हूँ। सीआईडी से। सीआईडी वाले, इनको कैसे पता चल गया? सर ये जिसने मेरे दोस्त रघु का खून किया है, ये वो आदमी है। क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर मैं इसे जानता भी नहीं। अरे बक रहा है ये सर। आप सफेद रंग की कार 4784 ये आप ही की कार है ना? वो कार तो शोभित भैया की है, लेकिन बात क्या है? खून हुआ है। खून? किसका खून? मेरे दोस्त रघु का, जो आपके भाई ने किया है। मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। क्यों शोभित? मिस्टर शोभित, आप ही बताइए, आपने ये खून किया है या नहीं? शोभित, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। बोलो। हाँ, मैंने इसके साथी का खून किया है। देखा सर। मगर आप इससे भी तो पूछिए कि ये और इसका साथी क्या कर रहे थे वहां पर। ये और इसका साथी दोनों मिलकर मेरी बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। पूछिए। ऐसा क्या था उस बैग में जो खून करना पड़ा आपको? वो मैं आपको नहीं बता सकता। देखो, हमारे सवाल का जवाब सीधे सीधे दो, वरना खून के केस में ऐसे अंदर जाओगे कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटोगे। बोलो। कौन हो सकता है? जी, कोई नहीं। पर घंटी की आवाज सुन के तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कहाँ? मैं देखता हूँ कौन है। सर। मैं देखना चाहता हूँ कौन है। मुसीबत। गीता, तुम? हमें तो लगा था कि क्यों? कोई और आने वाला था यहाँ पे? नहीं सर, अब ये गीता है, हमारे घर में काम करती है। बहुत हो गया ये ड्रामा। अब तुम लोग सच यहीं पे बताओगे या ब्यूरो में चल के? ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। तो ये बात है, किसी ने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया, विकी को, और तुम 2 करोड़ रुपए बैग में लेके जा रहे थे किडनैपर्स को देने। हाँ। और ये विकी किडनैप कब हुआ था? परसों रात को। 2 दिन हो गए और आप लोगों ने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। हाँ, अगर आपको बता देंगे तो विक्की की जान को खतरा हो सकता है। विक्की की जान को अब भी खतरा है। क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो किडनैपर विक्की को छोड़ देगा? ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। पैसे किसको दिए थे आप? किसी को नहीं। किडनैपर ने मुझसे कहा था कि सड़क के किनारे एक पेड़ है जिस पर एक्स बना है, मैं पैसों का बैग वहीं छोड़ दूं। मैंने वैसे ही किया। ये किडनैपर का फोन किस नंबर से आया था? ये 1020907981। सब फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। सर मुझे तो लगता है ये चोर भी उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है, वरना इसे कैसे पता चला कि भैया अपने साथ इतने रुपए लेकर आए? नहीं साहब, मैंने इन्हें बैंक से निकलते हुए देख लिया था। हमें भनक पड़ी कि मोटी रकम होगी, इसलिए इनके पीछे तुम दोनों वहां तक पहुंच गए। माफ कर दो साहब, आइंदा से कभी चोरी नहीं करूंगा। किसी और को देखा था तुम लोगों ने वहां? नहीं साहब, मैं तो रघु की मौत देखते ही मेरे होश उड़ गए और मैं सीधे आप लोगों के पास चला आया। हमें वो जगह देखनी है जहाँ तुमने वो पैसों से भरा बैग रखा था। और ये विक्की का कमरा कौन सा है? प्लीज आप लोग अंदर बताइए। आप लोगों ने किसी चीज को छुआ तो नहीं ना? जी, जब से विक्की किडनैप हुआ है तब से हम में से कोई इस कमरे में नहीं आया। तुमने इस कमरे की साफ सफाई तो नहीं की? जी नहीं, अभी तक तो झाड़ू भी नहीं लगाया। सर कमरे का तो सामान बिखरा पड़ा है। किडनैपर ने विक्की को यहीं से उठाया होगा। लेकिन किडनैपर कमरे में घुसेगा कैसे? घर के सारे दरवाजे तो अच्छी तरह से बंद थे। घर के दरवाजे बंद थे तो फिर खिड़की से घुसा होगा और यहीं से विक्की को ले गया होगा। हो सकता है सर। वैसे भी खिड़की ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, कोई भी अंदर आसानी से आ जा सकता है। ये क्या है? वॉच? ये वॉच? ये घड़ी तो मेरे बेटे विक्की की है। मतलब किडनैपर जब विक्की को यहाँ से ले गया होगा तब एक किसी चीज से टकरा के ये घड़ी टूट गई और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है। इसका मतलब है रात के 2:30 बजे विक्की को किडनैप किया गया है। बस बस साहब, ये रख दीजिए। साहब ये देखिए, यही वो जगह, यहाँ पर मेरे दोस्त लोगों को इस आदमी ने मार डाला। साहब बेचारे के खून के निशान अब तक यहाँ है। सर मैं एक पिता हूँ, अगर ये चोर मुझसे पैसे चुरा लेता तो मैं अपने बच्चे की जान कैसे बचाता सर? और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अब मुझे अगर जेल जाना पड़े तो भी मुझे कोई गम नहीं। देखिए हम आपकी तकलीफ समझते हैं। आप ये बताइए वो पैसों से भरा बैग आपने रखा कहाँ पे? वो वहाँ सर, वहाँ उस पेड़ के नीचे। कहाँ पे? वो पेड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे? हाँ। ये वाला पेड़ है, ये जिस पर एक्स का निशान बना है, बस यहीं पर मैं यहाँ आया और यहाँ इस पेड़ के नीचे पैसों का बैग रखकर चला गया। लेकिन सर यहाँ आसपास तो उस पैसों का बैग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है किडनैपर बैग ले जा चुका है। किडनैपर ले जा चुका है तो फिर सर मेरा बच्चा विक्की अब तक घर क्यों नहीं लौटा? सर देखिए धीरज रखिए, अब ये केस CID के हाथ में है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका बेटा सही सलामत आप तक आ जाए और आपका पैसा भी, ठीक है? अच्छा ये जो बैग था आपका कैसा था, किस कलर का था? ब्राउन कलर का था। ये तकरीबन इतना बड़ा, TIC कंपनी का। TIC? क्या बात सोचे, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए कागज का टुकड़ा मिला है। देखने से लगता है कि कोई नक्शा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये नक्शा है कहाँ का। सर शायद किडनैपर की जेब से गिरा है भागते हुए। मिस्टर शोभित। जी जी सर। जरा ये देखिए, ये कागज पे कुछ नक्शा सा बना है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, इस कागज के बारे में? नहीं सर, मैं नहीं जानता इस जगह को। अच्छा, जरा तुम देखो, तुम जानते हो इसके बारे में कुछ? नहीं साहब, पता नहीं। ओके। देखिए, जरा याददाश्त पे जोर डालने की कोशिश कीजिए, शायद कोई नाम आ जाए आपके दिमाग में। किसी पे शक है आपको? मेरा बेटा विकी बहुत ही अच्छा लड़का है, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। सर, मुझे तो लगता है ये काम किसी गुंडे मवाली का है और उसने पैसे के लिए विकी को किडनैप कराया है। देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए मगर मेरे बेटे को सही सलामत वापस ले आइए। मैं आप लोगों के आगे झुकती हूँ। मैम, क्या करें आप, प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर पैसे देने के बजाय आप लोगों ने सीआईडी को इस किडनैपिंग के बारे में जानकारी दी होती तो बात शायद इतनी नहीं बिगड़ती। सर, विकी को कुछ पता चला? नहीं सर, विकी के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन शोभित ने अपना बैग जिस पेड़ के नीचे रखा था उस पेड़ के पास से हमें ये मिला है। तो किसी घर का नक्शा लगता है। हाँ सर, और ये एक्स का निशान देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा ही एक्स का निशान उस पेड़ पे भी बना हुआ है। शायद ये नक्शा किडनैपर के जेब से गिरा होगा। तो सर, कहाँ का नक्शा हो सकता है ये? कहीं उसी जगह का तो नहीं है जहाँ पर किडनैपर ने विकी को कैद करके रखा हो? ये देखो, ये इस घर का एंट्रेंस है और ये घर के दाईं तरफ ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। सर, और ये दाईं तरफ घर के बाहर एक कमरा है, आउटहाउस जैसा। एक मिनट, ये आपके घर के बाहर दाईं तरफ ये आउटहाउस जैसा कुछ है क्या? जी सर, वहाँ उस तरफ। मतलब सर, ये नक्शा इसी घर का है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मिस्टर शोभित, लग तो कुछ ऐसे ही रहा है। लेकिन सर, किडनैपर की जेब में हमारे घर का नक्शा क्यों होगा? ऐसा लगता है कि किडनैपर आपके घर पे नजर रख रहा था, जैसे ही मौका मिला उसने विकी को किडनैप कर लिया। सर, अगर ये नक्शा इसी घर का है तो फिर उस किडनैपर ने यहाँ इस आउट हाउस पे ठीक वैसा ही एक्स वाला निशान लगा के क्यों रखा है जैसा उस पेड़ पे है जिसके नीचे शोभित ने बैग रखी थी? सर, हो सकता है इस आउटहाउस में कोई सुराग छुपा है जिससे हम विकी तक पहुंच सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आउटहाउस पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। आउटहाउस पिछले 5 साल से बंद पड़ा है? क्यों, ऐसा क्या उसमें? बस यूं ही सर, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, बल्कि पिछले 5 साल से वहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई और अब तक तो वहाँ के ताले में जंग भी लग गया होगा। फिर भी हम वो आउटहाउस देखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। गीता, वो आउटहाउस की चाबियां ले आओ। किडनैपर्स बैग लेके क्या किस तरफ होंगे? जगह तो काफी सुनसान है, यहाँ दिन में कोई नहीं दिख रहा है तो रात को तो काफी वीरान होगा। ये क्या है? पंचर की दुकान? इसके यहाँ शायद किसी को कुछ पता। अरे सुना भाई, सर इधर जी। देखो, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ। सीआईडी? क्या बात है साहब? क्या नाम है तुम्हारा? जी, प्रवीण। प्रवीण, जरा याद करके बताओ, कल रात को तुमने यहाँ से किसी आदमी को बैग ले जाते हुए देखा है? कल रात को? हाँ साहब, मैंने एक कबाड़ी वाले को देखा था। वो अपने ठेले पे बहुत सारा रद्दी का सामान लेके जा रहा था, उसके पास एक सूटकेस भी था। किस कलर का था वो? भूरे रंग का। कैसा कैसा था? कितना बड़ा था सूटकेस? शायद बड़ा ही था साहब, वो क्या अंधेरा हो गया इसलिए मैं देख नहीं पाया साहब। उस आदमी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, वो मैं पंचर निकालने में व्यस्त था इसलिए देख नहीं पाया, लेकिन साहब वो हमारे इलाके का नहीं था, उसको पहली बार देखा था मैंने यहाँ पे। और कुछ याद उसके बारे में? हाँ साहब, उसका जो ठेला था वो लाल रंग का था। लाल रंग का? किस तरफ गया वो? यहाँ आगे एमआई रोड की तरफ गया। एमआई रोड? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो वाकई संखार है। सर हमने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पे आपको कोई सबूत वबूत नहीं मिलेगा। अभी पता चल जाएगा। देखते हैं इस आउट हाउस में ऐसा क्या राज है जो उस किडनैपर ने इसके नक्शे को बरअक्स बना रखा था। जाओ प्लीज हाथ मत लगाइए। विकी विकी नहीं विकी भैया ये क्या हो गया? हमारे विकी को किसने मार डाला? आइए आइए साहब, क्या बेचना है साहब? साहब ये क्या कर रहे हैं साहब? क्या ढूंढ रहे हैं? बैग ढूंढ रहा हूँ। बैग? कैसा बैग साहब? भूरे कलर का सूटकेस है जिसे तुम कल रात पेड़ के पास से उठा के लाए थे। क्या बात कर रहे हैं साहब? सच सच बता, कहाँ है वो सूटकेस? 2 करोड़ रुपए हजम कर रहा रातों रात, टकर भी नहीं ले रहा। कहाँ है वो 2 करोड़ रुपए? क्या मजाक कर रहे हैं साहब गरीब के साथ? बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता हूँ और आप 2 करोड़ की बात कर रहे हैं साहब। पैसे नहीं है तो सूटकेस कहाँ गया? क्या बात कर रहे हैं साहब? कैसा सूटकेस, कैसे पैसे? साहब मुझे पहले पता होता कि इस ठेले से इतनी मुसीबत हो जाएगी तो मैं ये ठेला कभी नहीं लाता साहब। ये ठेला तुम्हारा नहीं है? नहीं है साहब। तो फिर कहाँ से आया ये ठेला? कल रात एक आदमी आया था, वही मुझे ये ठेला दे के गया और वो भी बिल्कुल मुफ्त। अच्छा, कौन था वो? साहब पता नहीं साहब, मेरे पास आया ठेला दे के गया। और हाँ साहब, जाते जाते वो इस ठेले से एक सूटकेस लेके हसनपुर की ओर गया था साहब। वही सूटकेस हो गया। ये आदमी दिखता कैसा था? नहीं साहब, चेहरा तो देख नहीं पाया, रात का समय था। विक्की की लाश मिली है? कहाँ पे? बॉडी पे कहीं भी कोई निशान नहीं है। कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की? ने पहले से बेहोश किया हुआ फिर इसका अजीब सी बात है। तो किडनैपर ने विकी को साउंड हाउस में यहाँ पे रखा और किसी को पता नहीं चला। इस विकी को कहीं और छुपा के रखा, जैसे पैसे मिल गए इसे मार दिया, लाश को यहाँ पे पटक के चले गए। पर सर दरवाजा तो 5 साल से बंद पड़ा है। सर हो सकता है कि किडनैपर उस खिड़की से आया हो। ये आउट हाउस 5 साल से बंद है, इसलिए इस लाश को यहाँ पे फेंक के चला गया। पता कैसे नहीं चला? जूते के निशान है यहाँ पे। तो कहीं खोली के तो नहीं? हो सकता है। जिस रात विकी को किडनैप किया गया था उस रात बारिश हो रही थी और मिट्टी भी गीली थी। तो फिर विकी के कमरे के अंदर किसी के जूतों के निशान क्यों नहीं मिले हमें? सर हमने तो अच्छी तरह से चेक किया था, वहाँ पर तो कुछ नहीं मिला। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जूतों के निशान किसी ने मिटा दिया? एक बार फिर से विकी के कमरे में चल के देखते हैं। इस जूते के निशान को उठा लो। काजल, लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सर घर वाले कह रहे थे कि जब से विकी किडनैप हुआ है तब से ये कमरा बंद ही पड़ा है। इस कमरे की साफ सफाई भी नहीं की गई है। तो फिर उस किडनैपर के जूतों के निशान इस कमरे में क्यों नहीं है? हाँ सर, निशान तो होना चाहिए था। वैसे भी उस रात को बहुत बारिश हुई थी। ये ऐसा तो नहीं कि जाने से पहले किडनैपर सारे निशान मिटा गया? फिर भी सर निशान कहीं ना कहीं तो होने चाहिए थे, खिड़की पे, फर्श पे, कहीं तो होने चाहिए थे। क्योंकि अगर उसने निशान मिटाए भी होंगे तो चलते वक्त कहीं ना कहीं तो निशान पड़े होंगे ना। से ये भी तो हो सकता है खूनी खिड़की से नहीं आया हो, बल्कि इस कमरे के दरवाजे से अंदर आया हो। घर के दरवाजे से? मतलब विकी को मारने वाला इन घर वालों में से कोई है? बॉस, इस लड़के को पहले क्लोरोफॉर्म सूंघा करके बेहोश किया गया और उसके बाद गला दबाकर इसकी हत्या की गई। सर के साथ कोई उंगलियों के निशान? उंगलियों के निशान कोई नहीं मिले, और वो इसलिए क्योंकि खूनी ने ग्लव्स पहन करके इसका गला दबाया। इसकी मौत कब हुई? करीब 36 से 40 घंटे पहले। 36 से 40 घंटे पहले? घड़ी में रात के 2:30 बजे थे। और ठीक 2:30 बजे घड़ी बंद हो गई है, यानी बुधवार की रात। बुधवार की रात को ही तो विकी का किडनैप हुआ था। हाँ खाजल, और किडनैप करते ही इसका खून कर दिया लोगों ने। उसके बावजूद वो परिवार वालों को पैसे के लिए फोन कर रहा था और ये भी दावा कर रहा था कि वो विकी को वापस भेज देगा। सर, इसका खून अनजाने में हो ही नहीं सकता, क्योंकि खूनी ने इसका गला बेहोशी की हालत में दबाया था, यानी कि वो चाहता था कि इसकी मौत हो जाए। हाँ काजल, और विकी की लाश हमें मिली आउट हाउस में। इसका मतलब ये है कि विकी अपने घर से कहीं बाहर निकला ही नहीं, और विकी को उसके कमरे के अंदर ही पहले बेहोश किया गया और फिर गला घोट के उसे मार दिया गया, और उसकी लाश को खिड़की से अंदर डाला गया आउट हाउस के। अगर किडनैपर को पैसे ही चाहिए थे तो फिर उसने विकी को मारा ही क्यों? हो सकता है काजल कि वो कोई भी सबूत पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विकी का खून किया, और साथ ही साथ उसने ये भी सोचा कि सारे पैसे भी हड़प लूं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उसने विकी की लाश को उस कमरे में क्यों नहीं रहने दिया, वहां आउट हाउस में क्यों डाला। इसका मतलब वो जानता था कि आउट हाउस 5 साल से बंद है पर वहां कोई आता जाता नहीं। ये बात तो सिर्फ इसके घर वाले, करीबी दोस्त और रिश्तेदारों को ही पता हो सकती है। हाँ काजल, इस विकी के खून में इसका कोई करीबी ही शामिल है। ये है वो जूते का निशान जो हमें आपके आउट हाउस से मिला है, और इस निशान के जरिए हम खूनी तक पहुंच जाएंगे। तो इस निशान को मुजरिम के निशान से मिलाइए ना, घर वालों के निशान से क्यों मिलाना चाहते हैं हम? क्योंकि विकी का खूनी इस घर में ही मौजूद है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने बेटे का कत्ल करूंगी? मैं माँ हूँ उसकी, और वैसे भी उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। मारा तो आप में से ही किसी ने, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग अपना जुर्म खुद कबूल कर लें, नहीं तो आप सबके जूते इस निशान से मिला के देखने पड़ेंगे। देखा, जूतों का नाम लेते ही सबके मुंह पे ताले लग गए। वो तो दिख रहा है। सचिन, जरा चेक कर लो। चलिए आइए, अपना अपना पैर आगे बढ़ाइए। देखिए, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप खुद ही सोचिए, क्या मैं खुद अपने ही बच्चे का खून करूंगा? अभी सब पता चल जाएगा कि किसने किया है। चलिए। अरे आप समझते क्यों नहीं? पैर आगे बढ़ाइए। चलिए। नहीं सर, चलो बड़ा पैर आगे। नहीं सर, चलिए आप बढ़ाइए अपना पैर। चलिए बढ़ाइए। सर, इसके जूते तो मैच कर रहे हैं। करण, तुमने किया ये? नहीं भैया, भैया ये झूठ है, ये मुझे फंसाने की साजिश है भैया। देखिए, आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते। जूते के निशान मैच हो गए हैं। बोल, क्यों मारा विकी को? मैंने विकी को नहीं मारा। तो आउट हाउस क्या करने गया था? डांस करने गया था वहाँ पे? शायद खूनी के पास भी ठीक ऐसे ही जूते हो। यार, ये तो ऐसा चूच नहीं खोल रहा है। खुद सच बोलोगे या मैं बुलवाऊं? मैंने उसे नहीं मारा। नहीं मारा। बोल। मैंने और रीमा ने मिलकर ही विकी को किडनैप कर। तुम भी मिली हुई थी इसके साथ? यकीन मानिए भैया, हमने खून नहीं किया है। हम सच कह रहे हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुम लोगों ने। अपने ही परिवार वालों के साथ धोखा किया। भैया हमें माफ कर दीजिए। Shut up and get out! दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम लोगों की मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। ऑफिसर, इन दोनों को धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दीजिए। देखता कौन है? ये आवाज कैसी? सूटकेस? जरा देख, आसपास कोई है क्या? सर, ये तो वही सूटकेस है सर, जिसमें मैं 2 करोड़ रुपए लेकर गया था किडनैपर्स के लिए। क्या? ये वही सूटकेस है? सर, आसपास तो कोई भी नहीं सर। सचिन कोई तो था। गाड़ी की आवाज आई थी अंदर। जरा देखो यार। ये क्या? सारे पैसे वैसे के वैसे ही हैं। आप समझा? ये सारे पैसे करण और रीमा के लिए है ना? हमने सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने तो सिर्फ विक्की को बेहोश किया था, पर फोन करके पैसे हमने नहीं मंगवाए सर। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने फोन नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? सर शायद उसने किया होगा जिसने विक्की का खून किया। अगर खूनी को पैसे चाहिए थे तो 2 करोड़ रुपए वापस क्यों डालेगा वो यहाँ पे? अच्छा तुम लोगों के अलावा इस किडनैपिंग के प्लान के बारे में कोई और भी जानता था? नहीं सर, कोई नहीं जानता था। ये मेरा और इसका ही प्लान था। तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे को मालूम नहीं? तो फिर फोन किसने किया? पता नहीं सर। पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा। खून हुआ है, खून का मतलब समझते हो तुम? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। विक्की को इन्होंने ही मारा है और ये पैसे भी इन लोगों के लिए ही आए हैं। हमने खून नहीं किया सर, हमारी बात का यकीन कीजिए सर। इतने गिरे हुए भी नहीं हैं हम। तुम लोग कितने गिरे हुए हो ये हम अभी देख चुके हैं। वैसे कितने पैसे चाहिए थे तुम लोग? सर 2 करोड़। तुम्हें भी 2 करोड़ रुपए चाहिए थे, पर इससे पहले कि तुम फोन करते किसी और ने फोन करके पैसे मंगवा लिया। बड़ी अजीब बात। ये पैसा क्यों चाहिए था तुम लोगों को? कर्ज चुकाने। कर्ज चुकाने? कैसा कर्ज? करण को जुए की लत लगी थी, 2 करोड़ रुपए हार गया था, इसलिए हमने सोचा कि विक्की को किडनैप करके हम भैया से 2 करोड़ रुपए ले लेंगे। तुम लोगों को पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेते, मगर मेरे बच्चे को मारने की क्या जरूरत थी? क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों? जवाब दो, जवाब दो। क्यों मारा मेरे बच्चे को? संभाल। करण, ये पैसे तुम्हें किसे लौटाने थे? सर हरीश को। हसनपुरा में एक जुए का अड्डा है, वहीं जुआ खेला करता है। ओह हसनपुरा, ये हसनपुरा तो उसी इलाके में है ना जहाँ हमें वो मैकेनिक और ये कबाड़ी वाला मिला था। सचिन, अगर हरीश इस सब के पीछे रहता तो पैसे लौटाता क्या? लगता है खूनी ने मारने के मकसद से ही मारा है, पैसों के लिए नहीं मारा है, वरना 2 करोड़ रुपए देखकर तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। बात है, कौन है ईमानदार खूनी? मिस्टर शोभित, आपको किसी पे शक? मुझे किसी पर कोई शक नहीं सर। इस केस ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। किडनैप किया एक ने, फोन पे पैसे मांगे दूसरे ने, खून किया तीसरे ने, और ये पैसे लौटाए चौथे ने। पूरी बात क्या है कोई ठीक से बता ही नहीं रहा है। काजल, जरा इस शोभित के बारे में पूरी जानकारी निकालो, पता करो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इसके दोस्त और दुश्मन कौन है। तब तक हम लोग हसनपुरा जाके देखते हैं जो एक अड्डा है कहाँ पे। आप जुआ खेलने आए हो? आओ ना मेरे साथ जुआ खेलो ना। मेरी किस्मत भी आज बड़ी जोरों पर है साहब। मजा आएगा। लेकिन क्या है, हमारे जो सेठ जी है ना, उनको बड़ा जुआ खेलना है। हमने सुना यहाँ पे कोई हरीश नाम का बहुत बड़ा जुआरी है, उसके साथ खेलेंगे। और इसके साथ किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हरीश के साथ जुए में कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। क्यों नहीं जीत सकते? वो जुए में बेईमानी करता है क्या? ये तो पता नहीं, मगर उससे कोई भी जीत नहीं सकता। फिर तो मजा आएगा कि हमें हरीश के साथ ही खेलना है। क्यों सेठ जी? हाँ खेलना खेलना। अगर आपको हरीश का पता मालूम है तो हमें उसका पता बता दीजिए। वो रहा हरीश। मजा आएगा। आइए सेठ जी। गुड लक। मजा आएगा। तेरा ही नाम हरीश है क्या? तेरा नहीं, आप। यहाँ सब मुझे आप बोलते हैं। आप बोल आप। भाई फ्रेडी, ये तो बड़े शरीफ और इज्जतदार लगते हैं। इनको ब्यूरो ले जाके इनकी आरती उतारनी चाहिए। ब्यूरो? ब्यूरो क्या है? तो नया जुए का अड्डा खुला है क्या? वहाँ पे तेरे जैसे मुजरिम कानून के हाथों हार के अपने जुर्म का हिसाब देते हैं। मुजरिम? तू मुजरिम, हम सीआईडी। बात समझ में आई? सीआईडी? माफ कर दो साहब, गलती हो गई। खून करना गलती नहीं, जुर्म है। तो? मैंने किसी का खून नहीं किया। विक्की का खून नहीं किया तूने? कौन विक्की? करण का भतीजा विक्की। अब ये मत बोलना कि ये करण कौन है। नहीं साहब, करण को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने तो मेरे 2 करोड़ रुपए देने। 2 करोड़ रुपए के लिए विक्की का खून कर दिया तूने? ये क्या कह रहे हैं आप साहब? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, किसी को मार कर पैसे थोड़ी मिलेंगे। तूने फोन किया ना करण के घर पे 2 करोड़ रुपए मांगने के लिए? करण को फोन तो मैं मोबाइल पे करता हूँ, उसके घर वालों को फोन करके उसकी बेइज्जती क्यों करूँगा? इज्जत तो सबको प्यारी होती है ना साहब। इज्जत सबको प्यारी होती है। अगर पता चला विक्की के खून में तेरा जरा सा भी हाथ है, तेरी इज्जत का फालूदा बना दूंगा, समझा? हाँ, क्या नाम बताया आपने? विनोद। एड्रेस? C26 SJS हाईवे, सनी पार्क। ओके, थैंक यू। ये विनोद कौन है? विनोद शोभित का बिजनेस पार्टनर था और शोभित के बयान की वजह से उसे जेल जाना पड़ा, वो भी 15 साल के लिए। क्या? हाँ, पर 6 महीने पहले वो जेल से छूट गया है। तो फिर हो सकता है कि उसी ने विक्की का खून किया हो, शोभित से बदला लेने के लिए। हो सकता है काशी, लेकिन इस विनोद को जेल किस बात के लिए? शायद उसने बिजनेस में कोई घपला किया हो। पर शोभित तो विनोद के साथ 10 साल से बिजनेस कर रहा था, तो फिर उसे विनोद पे शक क्यों नहीं हुआ? हमने भी शोभित से कितनी बार पूछा कि उसे किसी पे शक है, लेकिन उसने विनोद का नाम कभी नहीं लिया। शोभित को शायद पता ना हो कि विनोद जेल से छूट चुका है। हो सकता है काजल। एक काम करते हैं, इस विनोद से जाके मिलते हैं। विनोद आप ही है ना? जी हाँ, मैं विनोद हूँ, लेकिन आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अभी 15 साल की सजा काट के आ रहा हूँ मैं। अब तो पीछा छोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि शोभित की वजह से तुम 15 साल के लिए जेल गए थे, लेकिन इस बार जेल नहीं जाओगे, सीधा फांसी होगी। फांसी? मैं कुछ समझा नहीं। सजा खत्म होने से 6 महीने पहले छूटा है ना? जी हाँ। और आते ही तुमने विक्की का खून कर दिया। विक्की कौन है? ये विक्की कौन है? हा? शोभित का बेटा विक्की। अच्छा, मेरा बिजनेस पार्टनर शोभित? जी हाँ, आपका बिजनेस पार्टनर शोभित। तुमने उसके बेटे विक्की का खून क्यों किया? ये आप क्या कह रहे हैं? शोभित के बेटे का खून हो गया? हाँ, और विक्की का खून तुमने ही किया है। मैंने? देखिए, ये सच है कि मैं शोभित को बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन विक्की के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। तुम्हारा हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? वाकई मैं सच कह रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं जेल में था। इस दौरान शोभित की जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। वाकई तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? जी नहीं। अच्छा ये बताओ कि शोभित का कोई और दुश्मन था? जहां तक मैं जानता हूं मेरे अलावा उसका कोई और दुश्मन नहीं है। सर मुझे तो अभी इस विनोद पे ही शक है। वो तो ठीक है सचिन, पर पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। देखो एक बात साफ है, किडनैपिंग की प्लानिंग की थी करण ने, फिर किसी को उसके प्लान के बारे में पता चल गया और उसने विक्की का खून कर दिया। हाँ सर, प्लानिंग तो करण ने ही की थी। हरीश को 2 करोड़ रुपए लौटाने के लिए। लेकिन इस प्लानिंग के बारे में रीमा और करण के अलावा और कोई नहीं जानता था सर। तो फिर इस विकी का खून किया किसने और पैसे किसने लौटाए, क्यों लौटाए? इस केस में एक से ज्यादा गुनहगार आ सकते हैं। सर, हरीश के बारे में बड़ी अजीब बात पता चली है सर। अजीब बात? क्या? सर, ये हरीश सिर्फ एक ही आदमी के साथ जुआ खेलता था, करण, और किसी के साथ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है फ्रेडी? हरीश अगर जुआरी है तो उसके कई पार्टनर होंगे ना, सिर्फ करण ही क्यों? सर, मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है, करण को फंसा के कर्जे में डुबाने की साजिश। साजिश? चलो हम लोग भी देखते हैं कौन है इस साजिश के पीछे। अरे करण, तू? मैं तो डर ही गया था। आजा बैठ। जुआ खेलने आया क्या? नहीं हरीश, जुआ खेलने नहीं। आज मैं तेरे 2 करोड़ रुपए वापस लौटाने आया। 2 करोड़ रुपए? ऐसी भी क्या जल्दी थी भाई? कर्ज जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा है, वरना दिल पर हमेशा बोझ रहता है। चल यार, चलता हूँ। हाँ सुनो, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। नहीं, फोन पे नहीं बता सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम जुए के अड्डे पे आ जाओ। हाँ, इतना टाइम लगा दिया आने में। करण आया था और ये 2 करोड़ रुपए देके गया है। उस काम की कीमत तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी थी, तो फिर ये सब क्या है? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। सीआईडी आई थी। सीआईडी? क्या? सीआईडी? हाँ सीआईडी। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पैसे लेकर मैं भाग जाती हूँ। तो तुम हो? हाँ गीता, तुम? लगता है इसे बहुत जल्द करोड़पति बनने का शौक है। पर अब करोड़पति नहीं, तुम दोनों के कैदी बनने का टाइम आ गया है। मुझे क्यों फंसा रहे हो? मेरे को जो भी बोला वो गीता ने करने के लिए बोला था। गीता के कहने पे तुमने खून किया? खुद मैंने कोई खून नहीं किया। खबरदार मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगी। कर नीचे। मत आना मेरे। ये क्या कर रही हो? देखो। इन सब का विषय तू ही है। कहाँ जा रहा है? तो साथ तो लेता जा। हमने किया विकी का खून क्योंकि मैं शोभित से बदला लेना चाहता था। उसने मुझे जेल भिजवाया था। और तुम तो शोभित के यहाँ काम करती थी ना? मालिक के साथ नमक हरामी करते तुम्हें शर्म नहीं आई? जी मैं विनोद की पत्नी हूँ। क्या? तुम दोनों पति पत्नी हो? जी हाँ, शोभित के घर में नौकरानी बन के काम करना तो सिर्फ एक चाल थी। चाल? कैसी चाल? हरीश को जुए में हराना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए हमने उसे पैसे दिए ताकि वो करण को जुए के कर्जे में डुबा दे और वो दोनों भाई सड़क पर आ जाए। लेकिन इन सबके बीच में विकी कहाँ से आ गया? उसका क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि वो शोभित का बेटा था। शोभित मेरा दुश्मन। मगर ये किडनैपिंग का प्लान तो करण और रीमा का था ना? तुम लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? एक दिन कमरे की सफाई करते वक्त मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और जैसे ही करण और रीमा ने विकी को बेहोश किया, वैसे ही मैंने विनोद को फोन करके घर बुला लिया था। और फिर उसके बाद हम उसे आउट हाउस ले गए, वहाँ हम दोनों ने उसे मार दिया। फिर पैसों के लिए शोभित को फोन किया। तो वो 2 करोड़ रुपए तुम लोगों के लिए थे, करण और रीमा के लिए नहीं? जी हाँ। तुम तो एक औरत हो, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बदले की आग में मैं एक माँ से एक बेटा छीन रही हूँ। क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी ममता नहीं है? ममता भी है, लेकिन एक औरत सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी होती है। और मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ अपने पति के लिए किया। तो फिर जाओ अपने पति के साथ जेल में, दोनों मिलकर चक्की पीसे ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।